पर्यटन हॉटस्पॉट एंड माद्री स्थानिक लोगों का आकर्षण टुडे विजिट करेंगे माद्री रेतिरो पार्क। अब पार्क के दयाल रेतिरो। रेतिरो पार्क एक ऐसी जगह है जहां आप घूमते घूमते थक जाओगे पर एक्सप्लोर करने की जगह खत्म ही नहीं होगी। मुझे यहां 2 दिन लगे ये ब्लॉग बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, होला अमीगोस, वेलकम टू स्पेन भ्रमण। लॉन्ग वॉक के लिए निकलना है, योगा मेडिटेशन करना है, बोटिंग का आनंद भी लेना है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज भी देखने हैं। बुक्स लवर्स, आर यू सर्चिंग बुक्स एग्जीबिशंस? कॉन्सर्ट में शामिल होना है, बच्चों को पार्क में खेलना है, स्पोर्ट्स एंड मेनी एक्टिविटीज करने के लिए अ परफेक्ट प्लेस माद्रिद रेतिरो पार्क। बेनवेनिडो अल रेतिरो। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड। This park covers 125 hectares of land. More than 15,000 trees makes it a greenland in the heart of the city. Palace visit करना है, वो भी park में। Yes, आपने सही सुना, यहाँ भव्य क्रिस्टल पैलेस है, उसके साथ झील और फोटोजेनिक नजारा आपको जरूर पसंद आएगा। क्रिस्टल पैलेस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कास्ट आयरन आर्किटेक्चर इन माद्रिद। ट्रॉपिकल प्लांट के लिए एक विशाल ग्रीन हाउस की योजना करते समय 1887 में मिस्टर रिकार्डो बोस के इन्होंने क्रिस्टल पैलेस डिजाइन किया था। क्रिस्टल पैलेस ग्रीक क्रॉस के आकार में आयरन फ्रेम में पूरा ग्लास का बनाया है जिसे सिरामिक से सजाया गया है। चलो किसी से बात करते हैं, उन्हें रेतिरो पार्क क्यों इंटरेस्टिंग लगता है। Muy bonito el retiro, tiene sitios espléndidos para ver. Pasas unas tardes tocando la guitarra, comiendo pipas, jugando las cartas o patinando y haciendo deporte. Yo poquitas, pero porque vivo fuera. Pero de costumbre, antes cuando daba clases de patinar aquí en el retiro, todas las semanas. Yaha ka aur ek main attraction hai Monument Alfonso XII. Isse Spanish mein Alfonso XII kaha jata hai. Ye monument रेतिरो पार्क के सेंटर में और यहाँ जो आर्टिफिशियल लेक है उसकी एज पर बनाया गया है। आर्किटेक्ट होसे रियोरे ने इसका डिजाइन बनाया था जो 30 मीटर हाई, 86 मीटर लॉन्ग और 58 मीटर वाइड है। ये स्पेशल म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है? मुझे तो एक गाना बहुत ही अच्छी तरह से याद आ रहा है, शायद ये धुन आपको कौन से गाने से मैच हो रही है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बोटिंग करते करते हिस्टोरिकल एंड नेचर दृश्यों को हमारे कैमरा में कैद कर सकते हैं। लेक के आउटसाइड परिसर में मैजिकल शो, पपेट शो आपका एंटरटेनमेंट भी करेंगे। इज दिस रियल स्टैचू? आप ही देखिए, हल्का सा मुंह बदला देके इनके साथ फोटो निकालने का आपको मजा भी आएगा। लाल, गुलाबी, पीले, नीले, काले, इस तरह हर कलर में गुलाब हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। बहुत सारी वैरायटी गुलाबों में अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पे एक रोज गार्डन है, ये गार्डन घूमने के लिए आपको जरूर अच्छा लगेगा। इस पार्क में लोकल लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में विजिटर्स भी आते हैं, इसीलिए इस पार्क पर पुलिस की तेज निगरानी रहती है। एम्बुलेंस सेवा हमेशा रेडी रहती है।
गार्डन क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग डन रेगुलरली। यहाँ पार्क में वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए लोग आपको दिखेंगे, जैसे कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा हो। सनबाद के लिए बीच जाना जरूरी है। लोगों को यहाँ लेक परिसर में भी सनबाद लेना अच्छा लगता है। सुनहरी धूप, ताजी हवा और दूर दूर तक फैली हुई ये ग्रीन चादर, पिकनिक का मूड हो ही जाता है। बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी एज को ये पार्क लुभाता है। हर कोने में आपको इस तरह लोग इस पार्क का आनंद लेते हुए दिखेंगे। बच्चों के लिए यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज है। जगह जगह पर बच्चों के खेलने के लिए किड्स पार्क्स बनाए गए हैं। रेटिरो पार्क बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आइडियल लोकेशन है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बर्थडे पार्टी का पूरा सेट लगाया हुआ है। पार्क में अक्सर लोग अपने कुत्ते और बिल्ली को सैर करने के लिए लाते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी यहाँ पे सुअर को भी एज ए पेट एनिमल यहाँ सैर करते हुए देखा। मेरे इस सफर का हिस्सा बन के आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको धन्यवाद भी करती हूँ। और आप न्यू व्यूवर्स हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपका यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं करेगा। आप यहाँ कब विजिट कर रहे हो? आपके विजिट के फोटोज एंड फन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। ऐसा एक नया वीडियो लेके फिर मिलेंगे। आदियोस, हस्ता प्रोंतो।